योर लाइफ। हेलो हेलो एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, माय नेम इज स्तुति एंड माय नेम इज दीपिका, एंड वी आर वी को फाउंडर सेट ऑफ कॉन्करिंग माय ओन एवरेस्ट। सो वेलकम टू आवर 5:30 PM डेली फेसबुक लाइव। एंड सो मैम, द क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स हैव इज कि हमको प्रोटीन भी खाना होता है, प्रोबायोटिक भी खाना है, फैट खाना है, एंड देन उसके बाद ग्रीन जूस भी पीना है। सो हाउ डज दैट गो? इतनी जगह ही नहीं बचती है पेट में, और आधा कुछ खाने के बाद ही पेट एकदम फुल हो जाता है। आई नो, एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है। तो जब मैंने भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाना शुरू किया तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि आधे रास्ते आते आते पेट भर जाता था। एंड ऑब्वियसली जो हमें सबसे टेस्टी लगता है वो हम सबसे पहले खाने की कोशिश करते हैं। सो आई विल स्टार्ट हैविंग फूड, तो मैं सबसे पहले ऐसे एक ग्लास मट्ठा पी जाऊंगी और उसके बाद कुछ भी खाने की कोशिश करूंगी, तो खाना नहीं खाया जाता था। इट्स लाइक अ कॉमन प्रॉब्लम। फिर मैंने ग्रीन जूस पीना शुरू किया तो वो भी ऐसा होता था, पहले ग्रीन जूस पी लिया एंड देन देर इज नो स्पेस इन द स्टमक। So say, I'm like, let me explain. So this is your stomach. और अगर मैं इसको पहले ही you know liquid से भर लूँ और you know water से fill कर लूँ, so then जगह कहाँ है इसमें और nutrients डालने की, right? So the good way of doing it is कि पहले nutrients dense food खाओ, जो आप खाना चाहते हो, जो भी आप protein खा रहे हो या जो भी आप good fat खा रहे हो, जो भी आप खाना चाहते हो, vegetables जो dense आपने अच्छे से पनीर डाल के या चीज डाल के जो भी वेजिटेबल्स बनाए, पहले उन्हें खा लो। न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाओ पहले, और उसके बाद जब जगह बचे तो आप थोड़ा लिक्विड ले सकते हो खाने के साथ। अदरवाइज खाने को के लिक्विड्स को आप अवॉइड कर सकते हो उस टाइम पे, उसको आप थोड़ा बाद में पी सकते हो। सो दैट्स द वे टू हैव न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड एंड यूज योर स्टमक साइज इफेक्टिवली। ओके, नहीं तो बहुत जल्दी से भूख लगाएगी और आपको सही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। सुपर। सो एनी मतलब फिर इसको खाने का टाइम क्या होगा? मतलब यू नो दैट यू वुड स्टिल वांट टू हैव ऑल दीस थिंग्स, तो मतलब व्हाट डू यू लिटिल लेटर, आई मीन बिकॉज़ उनका वैसे भी कैलोरीज बहुत कम होता है, जूस का हुआ या बटर मिल्क का हुआ, तो आप उसको बाद में थोड़ी बाद में पी सकते हैं, खाने के एक डेढ़ घंटे बाद भी पी सकते हैं। सो व्हेनेवर दैट यू आर फीलिंग लाइक हैविंग सम लिक्विड्स, दैट्स व्हेन यू कैन हैव इट। यू डोंट हैव टू हैव इट व्हाइल यू आर हैविंग द मेन मील। एंड एज इट इज यू नो दैट द डाइजेशन ऑफ द फूड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट मीन्स हीट बाहर निकलती है। जो ये भी लिक्विड्स होते हैं वो यूजली कोल्ड होते हैं, टेम्परेचर कम होता है इनका, तो वी डोंट वॉन्ट टू सबसाइड द फायर ऑफ द फूड, तो उसको हम बाद में खाएंगे, बाद में पियेंगे, तो मच बेटर आइडिया है एनी विच वे, साइंटिफिकली ऑल्सो एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑल्सो। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर बींग हियर, वी सी यू अगेन टुमारो एट 5:30। ओके, बाय बाय।